दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस पैराग्राफ एनिमेशन क्रिएट करना तो इस वीडियो का अंत बोलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए कंप्यूटर क्लासेस में। चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस कर ले ताकि वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको विंडो पर क्लिक कीजिए और लेयर को ओपन कर लीजिए। लेयर ओपन करने के बाद आपको कंट्रोल एन करना है। यहाँ से किसी पेज को सिलेक्ट करिए, जैसे मैं ये वाला 640 800 640 और 480 पेज को सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। आपको कंट्रोल आर करना है। आर करने के बाद ये रो ओपन हो जाएगा, फिर आर कीजिएगा तो रो हट जाएगा। सो आर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इतना पेज को ड्रॉप कर देना है, फिर ऊपर से कुछ इतना पेज को ड्रॉप कर देना है और सेव पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और ये जो गोला वाला सेव है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप अपने कलर चेंज कर लीजिएगा, जो कलर से आप सेव ड्रॉ करना चाहते हैं उस कलर को ले, जैसे मैं रेड ले लिया, उसका ओके कर दिए। शिफ्ट दबाकर इसको कुछ हम इतना पे ड्रॉप कर दिए। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करेंगे, बीच में रखना होगा, इसको बीच में हम सेंटर कर लेंगे ताकि अपने अनुसार से चेकआउट कर लेंगे कितना बीच में है। सो फ्रेंड, जब ये बन जाएगा उसके बाद आपको करना ही है कि कंट्रोल माइनस, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल एच कर दीजिए, जो लाइनिंग बना था लाइनिंग हट जाएगा। उसका जो लेयर दिख रहा है इसको आप यहाँ से रास्टराइज कर दीजिए। रास्टराइज करने के बाद अब इसको कंट्रोल जे करना है एंड कंट्रोल टी करना है। और जो डॉट दिख रहा है, डॉट को आप सबसे नीचे यहाँ पे ला दीजिए। लाने के बाद मिक्सिमम आप यहाँ से 10 या 5 या जितना मर्जी हो आप, जैसे में हम कुछ इतना रख के इसको ओके कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल दबाकर फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है, सेकेंड लेयर पे क्लिक करके जो कीबोर्ड से डिलीट बटन होता है इस डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद फर्स्ट लेयर को हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। तो फिर देख सकते हैं इसको हमने हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उसके बाद मैजिक पे क्लिक कीजिए, साइड में क्लिक कर दीजिए, ये बन गया एक साइड का। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल जे करना है एंड कंट्रोल टी करना है। फिर जो डॉट दिख रहा है इस डॉट को नीचे यहाँ पे ला दीजिए। लाने के बाद यहाँ से कुछ इतना पे इसको मूव करके अपने अनुसार से इसको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मैं इतना हम इसको एडजस्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे एंड कंट्रोल यू करेंगे। यहाँ से जो मर्जी हो उस कलर को इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे मैं ये कलर को हम ये ड्रॉप कर दे रहे हैं, अदरवाइज इसको व्हाइट करना हो तो आप व्हाइट डायरेक्ट इसको ओके कीजिए और डोल पे क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें कलर फिल कर दीजिएगा तो व्हाइट भी हो जाएगा। जैसे मैं फिलहाल हम यही रखने रहे हैं। उसको दोनों लेयर को एक साथ कंट्रोल ई कर लेंगे एंड फिर से आपको कंट्रोल जे करना है एंड कंट्रोल टी करना है। और जो डॉट दिख रहा है इस डॉट को आपको नीचे यहाँ पे ला दीजिए। लाने के बाद कुछ इतना इसको मूव करके फिर से ड्रॉप करके सेव कर दीजिए। जैसे मैं देख सकते हैं अपने कुछ इतना पे सेव कर दिया। उसको एंटर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ बार बार टी प्रेस करेंगे। अब देखिए कुछ इतना पे ये बन के रेडी हमारा हो गया। उसके बाद आपको पूरा लेयर में सर्कल लगा देना है, नीचे बैकग्राउंड लेयर को छोड़कर। उसको कंट्रोल ई कीजिए और कंट्रोल टी करके शिफ्ट और अल्ट दबाकर इसको छोटा कर लेना है। जैसे हम देख सकते हैं हमने इसको छोटा कर लिया, ये हमारा बन के रेडी हो गया। सो फ्रेंड, हमने दो कलर से बनाया हुआ है। अगर आप सिंगल कलर से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बन जाए। उसके बाद डोल पे क्लिक कीजिएगा, इसमें कलर फिल कर दीजिएगा सब पे, तो ये कुछ इतना पे ये बन के रेडी हो जाएगा। जो मर्जी हो उस कलर को आप फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम व्हाइट फिल कर रहे हैं तो आप व्हाइट फिल कीजिएगा, आपकी मर्जी है, जो चाहें सो कलर को आप फिल कर सकते हैं। जब पूरी तरह से बन के रेडी हो जाए उसके बाद आपको एनिमेशन करना हो तो कंट्रोल जे कीजिए एंड कंट्रोल टी कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप मैक्सिमम 5 कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिए 2 बार, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ बार बार टी प्रेस कर दीजिएगा, कुछ इतना पे बन जाएगा। उसको जितना से आँख ओपन है पूरा आँख ओपन कर देना है। जैसे मैं हमने पूरा आँख को बंद कर दिया। उसके बाद एनिमेशन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, देखते हैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन हो जाए उसके बाद इसको कट कर रहे हैं,
यहाँ से थोड़ा इसको जूम कर ले रहे हैं, नया पेज ओपन हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपको विंडो बटन पे क्लिक करना है, लेयर को ओपन कर लेना है एंड एनिमेशन को नीचे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ से फर्स्ट लेयर को ओपन कीजिए और फिर नया पेज खोलिए, फिर ऊपर वाले को ऑन कीजिए, नीचे वाले को ऑफ कर दीजिए। इसी तरह इसको सब को ऑन कर लेना है। जैसे मैं चलिए इसको हम फटाक देना ऑन कर ले रहे हैं, क्या आपको दिखा दे, देख सकते हैं कुछ इतना भी प्ले होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा झटका मार रहा है, इसके लिए आपको करना ही होगा कि फर्स्ट लेयर पे क्लिक कीजिए और सबसे लास्ट लेयर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कॉपी पे क्लिक करके फिर से डॉट पे क्लिक कीजिए और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से इसको सबसे नीचे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। अब देख सकते हैं कुछ इतना हो गया। अब इसको हम फिर से प्ले कर रहे हैं, सो इसको आप बहुत ज्यादा कर दीजिएगा, उसके बाद से थोड़ा झटका लग रहा है, ये नहीं लगे। ये पूरा बन जाए उसके बाद सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव पे क्लिक करके इजिली आप इसको सेव कर सकते हैं। सो इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड घंटी को प्रेस कर लिए ताकि वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स चलिए फिर नेक्स्ट, जय हिंद, बाय बाय।